जय श्री कृष्णा। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पॉजिटिव पेरेंटिंग जूनियर के इस नए भाग में मैं आरसी राजेश पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये है पॉजिटिव पेरेंटिंग जूनियर। तो इसमें हम कुछ बातें सीखने वाले हैं। एट द आउटसेट लेट मी शेयर विथ यू कि हमारा कंटेंट क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो जरा देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करेंगे। बच्चा डेवलप होता है तो एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या क्या साइंस है उसका। फिर हम देखेंगे कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स और पेरेंटिंग स्टाइल की बात करेंगे। कुछ मिस्टेक्स है, 10-12 मिस्टेक्स जो ज्यादातर पेरेंट करते हैं, हमें कोशिश करनी है। हम नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं तो समझना है और उनको टालना है। पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स की एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। जैसे अभी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वो बता रहे थे कि उनके बच्चे को अपनी फेवरेट चीज मिली तो उसको भूख लगी है, और फेवरेट चीज नहीं तो बच्चा भूखा नहीं है। बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है ना, ऐसा करते हैं बच्चे। तो वो कैसे काम करता है, छोटे बच्चे की मानसिकता क्या होती है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, वो बताएंगे। रिवॉर्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात होगी। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और डिसिप्लिन कैसे लाना है, है ना, कि कैसे बच्चे को डिसिप्लिन करना है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें बैकफायर करती है, कौन सी चीजें अप्रोप्रिएटली कार्य करती है, वो हमें देखना है। यस, और आगे बढ़ते हैं। और क्या है, यस, क्वेश्चन एंड आंसर, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट। तो अंतिम दिन पे हम एक मैराथन क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एक्साइटेड हो। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड टू गो अहेड विद दिस ट्रेनिंग। टाइप करें BIO, ब्रिंग इट ऑन, टाइप करें ब्रिंग इट ऑन। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट फॉर योर पार्टिसिपेशन। यस, क्या बात है, जबरदस्त एनर्जी है यहाँ पे। अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले इज इट ओके मैं थोड़ा सा अपना पात्र परिचय दे दूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों इस विषय पे बात कर रहा हूं। जरूरी है शो ऑफ हैंड्स परमिशन के लिए, या फिर टाइप करें PH, परमिशन है। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, यू आर सो काइंड। तो हम हैं सोहम गुरुकुल। अब हम ये मैं का हम कैसे बन गया, तो टीम वर्क की जहां बात आती है, फैमिली की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो मैं को पीछे छोड़ना है और हम बनना है, तो हम, तो यहाँ पे वी आर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड, बालक पालक, यू नो, पेरेंट एंड चाइल्ड फील्ड में हम प्रोफेशनल्स की हमारी टीम है, और उनमें से एक मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये रही हमारी जर्नी अब तक। 3000 से ज्यादा हम प्रोग्राम दे चुके हैं, 4000 से ज्यादा हमारे गाइडेंस के वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध है, 4,00,000 से ज्यादा पेरेंट्स हमारे सेशंस का लाभ ले चुके हैं, 11 लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम्स हैं, मल्टी स्टेट्स ऑपरेशंस है, काफी बड़ी टीम है। और ये एक छोटी सी झलक हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स की, क्वारंटाइन से पहले वाले, क्वारंटाइन के बाद वाले, या कोरोना के फेज में हमने काफी सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी लिए हैं। हम बेसिकली 4 क्षेत्र में काम करते हैं, करियर गाइडेंस जिसमें हमारा काफी अच्छा काम है, स्टडी गाइडेंस, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सिखाते हैं, पेरेंटिंग कोचिंग जो कि ये ट्रेनिंग भी उसी की है, पॉजिटिव पेरेंटिंग की, हम पेरेंटिंग कोचिंग भी करते हैं। यस, लाइफ सक्सेस कोचिंग फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, टीनेज बच्चों के लिए, मिड एज के लिए, वुमन स्पेशल भी है। अगर आपको मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करनी है तो डेफिनेटली आप हमारे कोचिंग के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस के भी कई सारे प्रोग्राम हैं जो आने वाले समय में आपको पता चलेंगे। थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगा, पात्र परिचय। मेरा नाम है आरसी राजेश्वर और मैं फाउंडर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है सोहम गुरुकुल। मैं एक स्पिरिचुअलिटी एंड अबंडेंस कोच हूँ, भगवदगीता का प्रवचनकार हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ, NLP कोच हूँ, मास्टर कहते हैं मुझे उसमें। राइट साइड में अगर आप देखो स्क्रीन के मेरे राइट में, अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे कई सारे नेशनल इंटरनेशनल कोचेस हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, कोचिंग ली है, सीखा है, समझा है कॉन्सेप्ट्स को। लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये मेरा एक अलग रूप है। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ इंडियन कल्चर में, भगवत गीता में, एंड दैट इज व्हाट आई एम। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा परिचय। तो अभी शुरू करें डेवलपमेंट की बात। क्या आपको पता है, किसी ने आपको बताया
कि बच्चा डेवलप होता है तो किस वक्त क्या सीखता है, यू नो। से तितली के बच्चे का हमने देखा है अंडा होता है, हमको सिखाते हैं ना 5वीं 6ठी कक्षा में, फिर अंडे से वो ऐसे छोटा सा वो ये बाहर आ जाता है यू नो, कैटरपिलर, फिर वो पत्तों को गायब करके खुद बड़ा बन जाता है ना, कुछ दिनों बाद पत्ते नहीं दिखते, वो अकेला कैटरपिलर बच जाता है, फिर उसका कोकून बनता है, उसे फिर बटरफ्लाई बनता है ना। इंसानी बच्चे की डेवलपमेंट या हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या आपको पता है? आज हम इसी की बात करेंगे दोस्तों, समझेंगे कि किस किस स्टेज पे क्या क्या डेवलपमेंट होनी जरूरी है, और अगर इन केस आपके बच्चे की कुछ डेवलपमेंट आपको लगता है कि नहीं हुई है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो मेरी आपसे विनती है कि उन पॉइंट्स को प्रायोरिटी दे के कंप्लीट करने का प्रयास करें, क्योंकि लर्निंग में या फिर डेवलपमेंट में अगर कुछ गैप रह जाता है, प्लीज नोट करें, लर्निंग में या डेवलपमेंट में कुछ गैप हो जाता है तो उसकी पेनल्टी इंसान को जीवन के हर, जिसे कहते हैं, हर एक पायदान पे, हर एक स्टेप पे भरनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ये जो स्टेजेस है डेवलपमेंट के, इसको हम जरा समझने का प्रयास करते हैं, यस। और हम इसके डिटेल में जाएंगे, आज का सेशन हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये रहे वो डेवलपमेंटल स्टेजेस। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि इंसान का बच्चा बढ़ता कैसे है, तो जब वो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उसको ना विश्वास, या तो वो लोगों पे विश्वास करने लगता है या विश्वास नहीं करता, यानी डाउट करने लगता है, यू नो, अविश्वास या विश्वास, छोटा बच्चा। अब किसी पार्टिसिपेंट ने बनाया बताया कि उनका बच्चा साल 1.5 साल का है ना, तो मैं आपको बताऊं ऑलरेडी एक स्टेज निकल गया आपके बच्चे की। ओहो, इतनी तेजी से पेरेंटिंग आगे जाती है ना। तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसका पहला प्रायोरिटी या फिर उसका डेवलपमेंट होता है विश्वास करे या ना करे, फिर ऑटोनॉमी या शेम आता है, इनिशिएटिव आता है, फिर इंडस्ट्री या इंफेरिटी आता है, आइडेंटिटी, इंटीमसी, जेनरोसिटी, या फिर जेनरोसिटी कहेंगे, या फिर क्रिएटिविटी कहेंगे, या फिर कंट्रीब्यूशन कहेंगे, वो एक स्टेज आता है, और उसके बाद एक स्टेज आता है इंटीग्रिटी या फिर डिस्पेयर का। इनको जरा सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की स्टेज होती है होप की, यू नो। होप मतलब क्या? होप की स्टेज मतलब सिंपल है, बच्चा इतना छोटा होता है और इतना अपाहिज होता है इंसान का बच्चा, यू नो, ना तो चल सकता है, ना तो बोल सकता है, ना तो दौड़ सकता है, ना तो खुद का कुछ कर सकता है, ना तो खुद का खाना जुगाड़ कर सकता है। मछली का बच्चा जन्म से तैरने लगता है, ना कैटर, ये बटरफ्लाई का अंडा अपने आप बड़ा हो जाता है, यू नो। क्या आपने देखा मम्मा रोज आके उसकी पेरेंटिंग कर रही है, अंडा दे दिया मम्मा गायब, उसमें अपने आप एक प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, है ना। गाय का बछड़ा आपने देखा होगा, गांव वाँव कभी गए होंगे, घंटे 2 घंटे में दौड़ने लगता है 40 की स्पीड से, है ना। यानी 8-10 घंटे बाद अगर किसी बच्चे को आप बोलो ये आज ही इसका जन्म हुआ है तो वो बोलेगा कम ऑन, आर यू जोकिंग, ये इतना तेज भाग रहा है, बैलेंस अच्छा है मेरे, हमें तो 1.5 साल लग जाता है ना। तो मोस्ट ऑफ द से देखो, इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है ना, हमारे पास ब्रेन है, बट हमारी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत स्लो है, स्टेप बाय स्टेप है, और हर जगह पे हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कोचिंग। दैट्स व्हाई हम कभी कभी टैगलाइन भी लगाते हैं ना, सोहम गुरुकुल कोचिंग, लाइफ कोचिंग फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, यू नो। इनफैक्ट मैं आपको खुशी, एक खुशी की बात बताऊं, अभी हमारे सोम गुरुकुल के एक्टिविटी सेंटर में हम गर्भ संस्कार, बाल संस्कार, टीनेजर संस्कार, अर्ली अडल्टहुड की कोचिंग और मिड एज की कोचिंग, ये पूरे के पूरे करेंगे, है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के पहले भी, यू नो, LIC नहीं है, बात भी बोलने को तो पहले भी, यानी गर्भ संस्कार वर्ग हमारे, इफ एवरीथिंग गोज वेल, इस महीने से शुरू करेंगे गर्भ संस्कार भी। ये ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, ऑफलाइन पूना में होगा टू स्टार्ट विथ। तो मेरी आपसे विनती है, किसी को अगर उसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली फील फ्री टू सजेस्ट,
डॉक्टर मोनिका गोरड मैम, जो कि एक क्वालिफाइड संस्कार ट्रेनर है, वो बाल संस्कार और गर्भ संस्कार लेके हमारे सोहम की तरफ से। चलो आगे बढ़ते हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं इन स्टेजेस के बारे में। यस, तो पहली स्टेज मैं बता रहा था आपको, होप। बच्चा क्या करता है? सिर्फ होप करता है, इधर उधर देखता है, उम्मीद करता है, कोई तो समझो रे बाबा। सारी दुनिया बोलती है बच्चा छोटा होता है, उसकी बात किसी को नहीं समझती, सिर्फ माँ को समझती है ना। बच्चा बोलता है इसको भी कुछ समझ में नहीं आता, वो भी ट्रायल एंड एरर करती है, मेरे पेट में दर्द है, वो मेरे को खाना खिलाती है या घुमाने लेके जाती है। हाँ या ना, है ना, ट्रायल एंड एरर। तो मैं मेरा चुपचाप मैच्योर के जैसा शांत बैठ जाता हूँ। तो बच्चे के पास एक होप होती है अर्ली स्टेज में, उसके बाद जरा देखते हैं इन स्टेजेस को समझते हैं, इसको हम और डिटेल में समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। उसके बाद विल, यानी कुछ ना कुछ करने की, एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा। उसके बाद पर्पस आता है, उसके बाद कॉम्पिटेंस, स्पेशली टीनेज आते आते ना लोग कॉम्पिटेंसी की बात करते आते हैं, उनके बाद उनको फिडेलिटी या फिर इंटीमेसी रिलेशनशिप की बात आती है ना, वो चाहते कि मेरा भी कोई हो, यू नो, उस वक्त वो चाहते कि कोई तो मिले, यू नो, सपनों का राजकुमार, है ना, ख्वाबों की परी, और बाद में बोलते ये कहाँ आ गए हम। है ना, सपने तो क्या होते हैं, टूटने के लिए होते हैं, ताकि हम जाग जाए और काम को लग जाए, है ना। बट ये फिडिलिटी इंटीमेसी का भी चीज आता है। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है, जहां पे मैंने जेनरोसिटी कहा, जेनरेटिविटी कहा, या फिर मैंने क्रिएटिविटी कॉन्ट्रीब्यूशन कहा, वो स्टेज इसके बाद आती है जहाँ पे लव का एक्सप्रेशन होता है और बुढ़ापे में केयर का एक्सप्रेशन होता है। अब मजे की बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे, ये देखिए, ये जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया, ये आज से कुछ 50-60 पहले एरिक एरिक्सन नाम के एक व्यक्ति ने ये पूरी थ्योरी ली कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होती है, यू नो। अगर आप हमारे शास्त्रों को देखिए, अगर आप हमारे शास्त्रों को देखिए, हमारे शास्त्रों में भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमारे शास्त्रों में भी ये स्टेजेस ऑलरेडी दिखाए गए। क्या मिसी, बच्चा है, यहां से ये बड़ा होके बूढ़ा हो रहा है ना, ये यहां से जा रहा है। तो हमारे शास्त्रों में ये डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए तो उन्होंने लिखा ना श्लोक, लालेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। 5 साल का है तब तक लाड़ करो, 10 साल का आते आते डिसिप्लिन बनाओ, 15 साल का आते आते, 15-16 साल आते आते दोस्ती कर लो। आया ना, कितना सटीक ज्ञान है एक श्लोक में। तो हमारे लोग भी बहुत बढ़िया डेवलपमेंटल की साइंस जानते थे, और इसीलिए हमारे यहाँ संस्कार, यू नो, अलग अलग संस्कार किए जाते, यू नो, उपनयन संस्कार सुना होगा आपने, अलग अलग संस्कार। तो ये स्टेज अप्रोप्रिएट हमारे पूरे सिस्टम में पहले था, फिर सिस्टम ही गायब कर दिया, है ना। सी दुनिया की, स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक टाइम था 1202 में नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉयड, यू नो, एंड दैट वाज द टाइम जब लंदन में, लंदन साइड में यानी इंग्लैंड में पहला यूनिवर्सिटी वेस्टर्न वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ 1209 में। यानी हमारा पतन किया गया, हमारी यूनिवर्सिटीज को खत्म किया गया और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज स्थापित किया, एंड दैट्स हाउ ये पिछले कुछ सालों में, 700-800 सालों में इम्बैलेंस नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, मैं आपको बताने वाला था, बताना चाहता था कि ये सब बातें मैं एरिक एरिक्सन का नाम तो लूंगा, एंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू हिम, उनकी थ्योरी से आज हम सीख रहे हैं, बट हमारे शास्त्रों में भी ये स्टेज बाय स्टेज इंसान का क्या होता है ये लिखा गया है। आप अगर संत तुकाराम महाराज की गाथा सुनो, रामदास स्वामी जी का दास बोध पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तो यहाँ पे ये लाइफ स्टेजेस और उस वक्त इंसान की क्या मानसिकता होती है लिखा गया है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। थोड़ा आगे बढ़ते, अब एक एक स्टेज को ठीक से समझते हैं। पहली स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब जैसे मैं स्टेज लिख रहा हूं ना, आपको क्या करना है, ये शब्द को लिखना है और आपको टिक मार्क करना है कि क्या मेरे बच्चे ने ये स्टेज प्रॉपरली क्रॉस की तो बहुत अच्छा। अगर आपको कोई शंका है तो हम
उसको कैसे क्रॉस करना है इस पे बात करेंगे। क्या मैं मेरी बात को आगे से आप तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो उस वक्त होता तो बहुत आसानी से हो जाता है ना, जैसे हम क्या कहते हैं घर को कलर करते हैं ना, तो यूनिफॉर्मिटी आती है। और कहीं पे एक जगह पे मान लो कोई फ्रेम वेम निकाल दी, अब उसको पैचअप करना है। तो आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ऑलमोस्ट सेम का सेम हो जाएगा, बट कैसे होगा, ऑलमोस्ट है ना, 100% नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर रह ही जाएगा। आया ना शो ऑफ हैंड्स, तो जरा समझते ये स्टेज क्या है। बट प्लीज नोट करना, ये स्टेज और आपके बच्चे ने, तो ये पहले 12 महीने में होता है, जन्म से पहले 12 महीने में, क्योंकि बच्चा जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। तो होता क्या है, प्लीज नोट करें, वो अपनी जरूरतों के लिए किसी और पे निर्भर होता है ना, वो अपनी जरूरतों के लिए किसी और पे निर्भर होता है। तो ये टोटली केयर गिवर पे डिपेंड करता है कि बच्चा बड़ों को ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। यानी बच्चे को अगर मान लो कुछ भी जरूरत है, उसको डर लगा, यू नो बच्चे डर जाते हैं छोटे, हाँ या ना, शॉक हैंड, डर लगा तो वो क्या करेगा, रोएगा। केयर गिवर अगर तुरंत बाजू में है तो ही और शी विल फील सेफ, है ना, वो सेफ फील करेगा, है ना। आवाज आ गई, बच्चा डर गया, तेजी से हवा आई, बच्चा डर गया, है ना, किसी कुछ धक्का लग गया, वो पालना जोर से हिल गया, बच्चा डर गया, कोई अनजान आदमी या जानवर आसपास आ गया, बच्चा डर गया, हाँ या ना। केयर गिवर कैसा है उस पे बच्चा ये डिसाइड करता है कि क्या मैं लोगों को ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। प्लीज नोट करें, बच्चे को भूख लगी है, बच्चे ने थोड़ा सा आंखें 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 आ कर दिया और तुरंत खाना आ गया, तो बच्चा ओहो रिलायबल है, व्हाट्स द वर्ड, हाँ रिलायबल है ये लोग, ऐसा बच्चा सोचता है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। बच्चा क्या सोचता है कि ये लोग रिलायबल है तो वो ट्रस्ट करता है। बट अगर मान लो अनरिस्पॉन्सिव केयर गिवर होंगे तो क्या होगा, यू नो इफ द केयर गिवर्स आर अनरिस्पॉन्सिव, जो कि बेबी को ध्यान नहीं दे रहे, है ना, तो बेबी में एंजाइटी आ जाती है ना, क्या आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, तो बच्चे में ट्रस्ट की कमी होती है। अब प्लीज नोट करना ये बात उसके साथ ही आगे बढ़ रही है ना, तो मान लो 1 साल हो गए, अभी दूसरे साल में बच्चे का पहला बर्थडे हो गया ना, तो ऑलरेडी बच्चा उसके सबकॉन्शियस में एक प्रोग्राम फिट हो गया, लोगों को ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, यस। क्या आपने आसपास बहुत सारे लोग देखे, आप उनके लिए कितना भी बहुत सिस्टमेटिकली काम करो, वो शंका से देखेंगे, अरे उसने नहीं किया तो, उसने ऐसा किया तो, उसने अपनी बात नहीं मानी तो, वो आया नहीं तो, उसने काम किया नहीं तो, ऐसे देखे ना लोग, है ना। अब हम उन्हें बता रहे यार रोज का डेटा है तेरे पास, वो रोज अपना काम ठीक, अरे वो सब ठीक है, बट फिर भी क्या, पर फिर भी, तो ये जो डाउट है ना, ये एंजाइटी बच्चे के मन में बहुत कम उम्र से आ जाती है, ये उसका प्रोग्राम बन गया। क्यों, और ये स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चे का सर्वाइवल, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी केयर गिवर पे या केयर टेकर पे जरूर डिपेंड है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो अगर मान लो अनरिस्पॉन्सिबल या फिर अनरिस्पॉन्सिव केयर गिवर है, तो बच्चे में डर, एंजाइटी और मिस्ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल बात बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बट इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आपके बच्चे में एंजाइटी है, डर है, ट्रस्ट की कमी है, तो उसको आपको मैं हूं ना वाला फॉर्मूला दे दे के एग्जाम्पल दे दे के हमें उसको सिखाना पड़ेगा ट्रस्ट करना। कुछ लोगों पे बिकॉज ऑफ पैटर्न डाउट ले सकते हैं, वो अलग बात है, बट इन जनरल डाउट नहीं लेना है, इन जनरल ट्रस्ट करना है, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, हाँ या ना, यस। तो दुनिया का यह हाल है, लाइटर साइड है ना। चलो अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, और अगला पॉइंट क्या है जरा देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे पेरेंट गलती कर जाते हैं। अगला पेरेंट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, 1 से 3 साल के बच्चों में ये चीज हो जाती है। अब वो स्क्रीन में नहीं दिखाता हूँ, छोटे छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा है,
उससे बेहतर है मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, क्या इज इट ओके? यस। तो 1 से 3 साल की उम्र में क्या होता है, बच्चा दुनिया को एक्सप्लोर करने लगता है। क्या करता है? एक्सप्लोर करने लगता है और बच्चे के अपने प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। अब बच्चों के प्रेफरेंस को माँ बाप ने अगर सही तरीके से हैंडल किया तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनने लगता है, एटोनॉमी उसमें आ जाती है। व्हाट्स द वर्ड? एटोनॉमी उसमें आ जाती है, यानी वो अपने निर्णय धीरे धीरे खुद लेने लगता है या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर अगर माँ बाप ने उसकी हर चीज को टोका, ओके, तो फिर बच्चे में शेम या गिल्ट बिल्ड हो जाती है। एग्जाम्पल, 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे जिद करते हैं ना कि मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मैं यही कपड़े पहन के जाऊं, है ना। हमें क्या लगता है? हे राम, पूरा कबर्ड भरा पड़ा है अच्छे अच्छे ऑप्शन से और इसको यही पहनना है ना। फिर हम दो में से एक तरीका करते हैं। एक तो कुछ पेरेंट है उसके वो चॉइस को रिस्पेक्ट देते हैं, उससे ठीक से बात करके उसको विश्वास में लेके अप्रोप्रिएट निर्णय की तरफ लेके जाते हैं। ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट यह है कि कुछ पेरेंट्स सीधे सीधे बच्चे की जगह बच्चे को बोलते हैं, तुम छोटे हो तुम्हें नहीं समझता, मैं बता रही हूँ ये ड्रेस पहनना है तुमने, खत्म काम। दुकान में गए, चॉकलेट लेनी है, बच्चा बोलता है मुझे ये वाली चाहिए, नहीं नहीं बोले वो नहीं है, ये वाली ले लो, चलो खत्म। अब ये छोटी छोटी चीजों में बच्चे का माइंडसेट बिल्ड हो रहा है, ध्यान से सुनिए। हमें लगता है उतना सिंपल है नहीं पेरेंटिंग, है ना। फिर हम बोलते बोलो सर मेरा बच्चा ना किसी भी चीज में पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है। अरे ढकेला किसने, क्षमा याचना, बट अभी सीधी सीधी बात तो करनी पड़ेगी, हाँ या ना। कुछ बच्चों को माँ बाप छोड़ देते हैं, हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर जिस दिन ना बोलते बच्चा बोलता है मेरे को ना कैसे पॉसिबल है। तो एक्सट्रीमिटी कहीं पे भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे हम। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम बच्चे को ये उसके लिमिट में, क्या उसके लिमिट में एक्सप्लोर करने का मौका दे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये अगर होता है तो बच्चा इंडिपेंडेंट यानी ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा, कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगा। नहीं होगा तो बच्चा डाउट में आएगा, यार मेरे को डिसीजन मेकिंग नहीं आती है, मेरे चॉइसेस हमेशा गलत आते हैं, है ना, मुझे उतना समझ में नहीं आता, तुम बताओगे क्या? अभी प्रोग्राम बन रहा है और ये क्या हो रहा है पता है? ये नींव बन रही है, ये पहली ईंट लग गई, इस पे दूसरी लगी है, तीसरी चौथी और ये चार पे जीवन खड़ा है। आप में से कितने लोग आपके बचपन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं ऑलरेडी? टाइप करें आए, टाइप करें आए। चलो आगे बढ़ते हैं और जरा अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। तो यस, दूसरा वाला है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओहो ये क्या है? तो ये स्टेज आती है 3 से 6 साल की उम्र में, बच्चे कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, यू नो इनिशिएटिव लेते हैं। अब यहाँ पे या तो इनिशिएटिव उनका आगे जाएगा या फिर गिल्ट आगे जाएगा, है ना। इनिशिएटिव आगे जाएगा या फिर गिल्ट आगे जाएगा, मतलब क्या है कि बच्चे ये उम्र में 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे ना अपने अपने कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, ओके। अब वो निर्णय को उन्हें सराउंडिंग से कैसे सपोर्ट मिलता है इस पर डिपेंड करेगा बच्चा आगे चल के इनिशिएटिव लेगा या नहीं लेगा, है ना। ये 3 साल से 6 साल की उम्र में ऐसा होता है, तो बच्चे को चाहिए कि ये जल्दी से सीखे इनिशिएटिव लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो छोटे बच्चे है ना, वो खेल खेलते हैं ना, तो वो डिसीजन लेते हैं कि आज हम ये खेल खेलेंगे, ऐसा करेंगे, घर बनाएंगे, मम्मा पापा डॉक्टर नर्स टीचर स्टूडेंट ऐसा कुछ ना कुछ वो करते हैं। वो उनकी उनकी प्लानिंग होती है और वो उसे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करते हैं और वो उनको लगता है कि यस अभी मैं मेरा ब्रेन यूज कर रहा हूँ, है ना। अभी हमें लगता है ये बच्चों के खेल है, सिस्टम ऐसे कि इसमें बच्चे डेवलप हो जाते हैं, हाँ या ना। वो सोच भी रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है, इनिशिएटिव भी ले रहा है,
अब अगर ऐसी उसकी चीजें हर बार फंसने लगी तो फिर इनिशिएटिव लेने से डरता है। जो सेट है वैसे ही करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, यानी वो गिल्ट में जीता है। अगर वो खुद कुछ भी करता है और बिगड़ जाता है तो फिर उसको गिल्ट आती है। मेरा हमेशा ऐसा होता है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। यस, ये बेहद जरूरी है दोस्तों समझना, इनिशिएटिव और गिल्ट का क्या कनेक्शन है। ये क्या है, मैंने कहा 3 से 6 साल के बच्चों में, अब आगे वाला जो स्टेज है प्लीज नोट करें, इस स्टेज का नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी, है ना। अब 6 से 12 साल की उम्र में प्लीज नोट करें, यहाँ पे माता पिता का रोल और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 6 से 12 के बीच में। और आज तो मैं पूरे जीवन प्रवाह की बात करूंगा, आगे वाले प्रवाह का थोड़ा छोटा सा लूंगा। और 6 से 12 में बच्चा क्या करता है, अपने आजू बाजू वाले बच्चों के साथ कंपेयर करता है। वो साइकिल चला रहा है, मेरे को साइकिल चलाना नहीं आती, उसको लगता है मैं कम हूँ। वो लिख रहा है इंग्लिश में, मैं नहीं लिख रहा। वो स्केटिंग कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, है ना। उसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती, मेरा नहीं आती है, या फिर वो भाषण दे रहा है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। सो मेनी थिंग्स, बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और वो अपना मन बना लेते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा है और आसपास के बच्चों में उसको लग रहा है कि यार मेरा हमेशा स्कोर अच्छा आता है, एग्जाम का नहीं, क्रिकेट हो, ये हो, वो हो, खेल में, कहीं पे भी, बच्चा ये उम्र में 6 से 12 में कंपेयर करता है आजू बाजू वालों के साथ। उसको अगर लगता है मैं बाजू वालों के बराबर हूँ या आगे हूँ, तो वो कॉन्फिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्फिडेंट बन जाता है। और अगर वो नहीं है तो वो क्या बनेगा? अगर वो नहीं है तो ये बच्चा क्या बनेगा, वो इनफेरियर समझेगा। उसको लगेगा कि यार मेरे में वो दम नहीं है, क्या मुझ में वो दम नहीं है, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा। तो यहाँ एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो, बच्चा जहां कहीं भी अपनी हम उम्र बच्चों से अच्छा कर रहा है, उसको इनकरेज करो, उसको रियलाइज करवा के दो कि देखो तुम अच्छा कर रहे हो। और जहां बच्चा मान लो हम उम्र के साथ नहीं कर पा रहा, कहीं कम है, तो उसको ये भी दिखाओ कि तुम किसी और फैक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी और फैक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं कम हूं। ये एग्जाम्पल मैंने पेरेंटिंग के दूसरे वाले सेशन में भी एक बार दिया था कि एक बार एक आई थी मेरे दोस्त की, क्या कहते हैं, बेटी अपना ये लेके, और उसके मैथ्स के कुछ अच्छे मार्क मिले थे, एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ मैथ्स मैथ्स मैथ्स, है ना। ओके, तो सब कुछ हुआ और अचानक उसने पूछा कि निशा को कितने हैं मैथ्स में। मैंने कहा आपका मैथ्स और हमारा संस्कृत एक्सचेंज हो सकता है क्या? आपका मैथ्स और हमारा संस्कृत एक्सचेंज हो सकता है, हमारे संस्कृत में 98 है और मैथ्स में जो भी है। तो क्या है, बच्चों को नहीं लगता कि मैं कम हूं? ये समझाना बहुत जरूरी है, सही एग्जाम्पल से, हैप्पी गो लकी तरीके से, है ना। मैं तो हाँ देखो, और तुम, है ना, ये इम्पैक्ट करता है दोस्तों। ये क्या है, मैंने देखो 1 2 3 4 ईंटें रखी है अब तक, आया ना, 7 ईंटें हैं टोटल। क्या आप आगे वाली ईंटों के बारे में जानना चाहोगे? शौक है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस रियली इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल? टाइप इन करें ई फॉर एंजॉयबल, यस, एंड आई फॉर इंफॉर्मेटिव। तो आई एफ टाइप कर सकते हो ना, इफ आई एफ, हाँ ई आई कर दिया, चलो बहुत बढ़िया डॉक्टर मैम, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, यस। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वाला, आहा, मराठी में तो गाना है 16 वो वरिष धोक्याचं, टीनेज की बात करते हैं दोस्तों, टीनेज की बात करते हैं। और ये होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। जैसे ही बच्चा 12 से 18 के बीच में आ जाता है टीनेज में, तो आपको पता है, हमें पता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, है ना। धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वो सोचते हैं मैं कौन हूँ, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरे गोल्स क्या है, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। शो ऑफ हैंड्स, है ना।
तो वो अपने आप को डेवलप, यानी अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, वो इमेजिन करते हैं कल चल के मैं ऐसा बनूंगा। कोई कहता है मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। कोई बच्चे ये भी बोलते हैं मैं क्रेन चलाने वाला बनूंगा, बट ये वो वाले नहीं, ये 3-4 साल वाले बच्चे बोलते हैं ना, मुझे तो क्रेन चलानी है। टीनेज वाला नहीं बोलता, वो बोलेगा मैं क्रेन का बिजनेस करूंगा, है ना। तो टीनेज में बच्चे अपने आप को, अपने फ्यूचर वर्जन को कल्पना करते हैं, उसकी इमेजिन करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए कोच, एज ए गुरु, एज ए सोसाइटी, कि उन्हें इनकरेज करे अपने आप को एक्सप्लोर करने में। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो फ्रेंड्स, उनको इनकरेज करे एक्सप्लोर करने में। तो अगर मान लो कोई बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, यू नो सिर्फ वी हैव गॉट अथर्व नाम का एक बच्चा है हमारे पास, वो बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर पाता है अपने आप से कि आज से 15-20 साल बाद ना मैं एक ऐसा तगड़ा सा मोटिवेशन स्पीकर बनूंगा, आई विल इंपैक्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ लाइव्स। टीनेज बच्चा, बट उसको क्लियर है कि मुझे क्या आता है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरा फ्यूचर वर्जन क्या है, मेरा फ्यूचर विजन क्या है। I'll take example of one more girl. You know, कल परसों हमारे पास स्वराली आके गई, पूरा नाम नहीं लूंगा मैं। Okay, she is very clear कि she would like to impact the world with her linguistic skills. 20 साल के बच्चे है, अभी अभी टीनेज से थोड़ा आगे निकल गई है, बट उसके टीनेज में भी आइडेंटिटी खुद की बहुत क्लियर थी। संस्कृत जर्मन में बहुत बढ़िया महारत है उसकी, और अभी वो जर्मन में गई है, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि सही वक्त पे मैंने उसे करियर गाइडेंस किया था। आई थी अभी 2 दिन पहले ब्लेसिंग लेने, तो अभी वो जर्मनी गई है फुल्ली पेड स्कॉलरशिप पे, यू नो हाउ अमेजिंग। तो उसे फिर उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, फिर वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं। तो रोल की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक निशा भी है, शी कैन इजिली इमेजिन हर सेल्फ कि वो आगे चल के लोगों को उनके, जिसे कहते हैं ना, मन से रिलेटेड जो बातें है उसमें हेल्प करेगी। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, बहुत सारे लोग मन के साथ ही अपने लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो वो सोचते हैं। तो उनका ये बहुत क्लियर है, क्या क्लियर है, आइडेंटिटी, मुझे क्या करना है, क्लियर हो गया तो वो टीम कॉन्फिडेंट बनेगा, फोकस्ड बनेगा, और उसकी एनर्जी सही जगह पे जाएगी। रोल कंफ्यूजन है तो मुश्किल है, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एज अ पेरेंट टीनेज में हमें जरूरी होता है कि हमारे बच्चों को रोल क्लैरिटी डेवलप करने में मदद करें। यहाँ पे कई सारे टेस्ट आप ले सकते हो, एप्टीट्यूड कर सकते हो, करियर गाइडेंस ले सकते हो, DMIT टेस्ट कर सकते हो, कोचिंग करवा सकते हो। इनफैक्ट मैं और हमारी टीम है मिनल मैम, डॉक्टर मोनिका मैम, हम टीनेजर्स की कोचिंग भी करते हैं। हम वही यही तो करते हैं, उनको एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं, और एक्सप्लोरेशन होने के बाद उनको उस दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। यानी पहले ये फीलिंग आती है कि मुझे ये बनना, क्या मैं ये बन सकता हूँ, फिर ये फीलिंग आती है हाँ मैं ये बन सकता हूँ, क्या मैं ये बनना चाहता हूँ, फिर यस मैं बनना चाहता हूँ। तो विल और स्किल दोनों आ गए ना, स्किल विल, फिर हम एक्शन लेते हैं उनको उस दिशा में आगे लेके जाते हैं। तो 3-4 साल में बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। आइडेंटिटी है तो बच्चा अगली स्टेज में कॉन्फिडेंटली जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन, क्या करना है आगे नहीं पता, है ना, कंफ्यूज है, फिर एनर्जी कहाँ लगेगी, नो वेयर, आया ना। एग्जाम्पल में मान लो यहाँ महिलाएं बहुत ज्यादा है, मैं आपको बोलूँ किचन में जाइए कुछ बनाइए, मेरी पसंद का कुछ बनाइए, बनाओगे आप? मेरी पसंद का क्या बनाओगे जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि ये बनाओगे? हाँ, सामान नहीं है तो भी फिर सामान आ जाएगा, बन जाएगा, हाँ या ना। रिसोर्सेस नहीं है तो भी आएंगे, बन जाएगा, बट क्या बनाना है नहीं मालूम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 12 से 22-23 साल की उम्र तक लोगों की इसी में एनर्जी जा रही है, क्या बनना है नहीं पता तो कहाँ फोकस करेंगे, फिर किचन में जाके हर डब्बे को घूम के लाएंगे, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, पता चला 22 साल हो गए। चलो थोड़ा सा क्विकली मैं आगे वाले पॉइंट्स की तरफ भी बढ़ना चाहूंगा। यस, क्या आप जानना चाहोगे नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? यू नो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्या आता है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मतलब क्या, या तो लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं, ओके प्यार रहता है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर
वो आइसोलेट होते हैं, उतना ज्यादा लोगों से सोशल इसमें मिक्स नहीं होते। और ये पूरा डिपेंड करता है पहले वाली 5 ईंटें कैसी लगी है, आया ना? उधर अगर ठीक है, मान लो क्या है, रोल क्लैरिटी है, ओके, जैसे मैंने कहा हो बिल बिल इन सब चीजों को अगर टिक लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो दिक्कत है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के सभी सम्माननीय सदस्य इस ट्रेनिंग के वो समझ पा रहे होंगे कि ये जो अर्ली पार्ट है 20-22 साल तक का कितना इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ फंस जाते हैं ना, वो शादी के लिए ना कहते हैं, डिले करते हैं, अभी नहीं, अभी सोचा नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, बाद में करते हैं, देखते हैं, है या ना? कर भी जाते तो ऐसे डर डर के करते, यू नो, है या ना? एज इफ किसी खरगोश को पकड़ के शेर के बाजू वाले पिंजरे में रखा है। चलो अगले स्टेज की तरफ जाते हैं, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्षमा याचना। तो ये स्टेज जो है ना रिलेशनशिप की, ये चलती है ऑलमोस्ट 20-22 से 40 तक, यू ना, 20 से 40 तक ये स्टेज आती है ना। या तो लोग बहुत अच्छे से अच्छा करते हैं रिलेशनशिप में, अब रिलेशनशिप ये सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, हर जगह पे वी आर इनटू रिलेशनशिप्स ना। अलग अलग प्रकार के हमारे संबंध होते हैं समाज में, तो वहां का परफॉर्मेंस ये पहले 20 साल पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते और आगे वाला समझने का प्रयास करते हो ना। आगे वाला है जनरेटिविटी, या फिर जैसे कहते हैं क्रिएटिविटी, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन वर्सेस स्टैग्नेशन। 40 साल की बाउंड्री, आजकल तो 35-36 को ही आ रहा है, यू नो। तो जैसे ही इंसान 40 के आसपास आता है, वो सोचता है लाइफ के बारे में, है ना? जो लोगों का अब तक का ट्रैक बहुत अच्छा है ना, वो बोलते हैं यार अब समाज के लिए कुछ करेंगे, लेट अस कंट्रीब्यूट समथिंग, है ना? फिर वो पेरेंटिंग कोचिंग करने लगते हैं, कहीं जाके भगवत गीता सुना देते हैं, यू नो, भागवत सुना देते हैं, कहीं कुछ क्लब लेते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, वारी जाते हैं, मौन करते हैं, यू नो, अलग अलग एक्सप्लोर करते हैं, दान धर्म करते हैं, कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं। और जिनकी गाड़ी पटरी से नीचे उतरी थी वो अब तक भी कर रहे हैं, वो स्टैग्नेशन में जाते हैं, यू नो, वो वाला। शर्मा जी मुझे माफ करें अगर कोई शर्मा है, एक ऐड आती थी, यू नो, शर्मा जी, बोले शर्मा जी क्या, तो बोले घर, घर से गाड़ी, गाड़ी से ट्रैफिक, ट्रैफिक से ऑफिस, ऑफिस से ट्रैफिक, ट्रैफिक से गाड़ी, गाड़ी से घर, और फिर क्या, तो बोले क्या कहते वो सरदर्द की एनासिन गोली लो और अगले दिन काम पे चलो। ऐसे पुराने जमाने में ऐड आती थी, यू नो। तो बहुत सारे लोग 40 के बाद यही करते हैं, नहीं यार बस अभी तो कट रही है वाला, या स्ट्रगल करते सर्वाइवल मोड में रहते हैं। बट जिनके पहले 6 ईंटें सही लगी है, वो यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यार जीना है तो समाज के लिए जीते, कुछ अच्छा करते हैं यार, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर जैसी बातें। मुझे उम्मीद है आपको क्लिक हो पा रहा होगा कि किस तरीके से ये लाइफ में मैटर करता है। अब अगली स्टेज है, और ये आखिरी स्टेज है, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 60 की उम्र आते आते है ना, जैसे 60 क्रॉस हो जाता है, 60 से आगे जीवन के आखिरी क्षण तक इंसान सिर्फ पीछे देखता है ना, या तो रिग्रेट या सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन है तो इंटीग्रिटी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को अपनी बातें बता के कंट्रीब्यूट करके गाइड करके बढ़ता है। और जो सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने लाइफ से, रिग्रेट होते हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ, आइसोलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, बिटरनेस की तरफ, फिर इसको गलत बोल दिया, उसको गलत बोल दिया, इसको टोका, उसको टोका, है ना? ऐसे आपने देखे होंगे सीनियर सिटीजन जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं और बहुत ज्यादा टांग भी अड़ाते हैं। तो ये जर्नी पे है। तो क्या है, अभी रिसेंटली मैंने देखा मेरे ही आसपास की कई सारे मैंने बच्चे देखे, और मैंने देखा यार ये तो गलत डेवलपमेंट से चल रहे, है ना? तो मैंने उनको थोड़ा भाषण दिया, तुरंत ठीक किया, और मैंने सोचा ओहो ये तो मुझे सबको कहना चाहिए, नहीं तो पाप होगा, आया ना? और इसलिए मैं ये ट्रेनिंग लेके आ गया। अदरवाइज हम पेरेंटिंग में कितना, अभी 7 साल से है पेरेंटिंग क्षेत्र में, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम हम ये एज ग्रुप की पेरेंटिंग ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये सेशन, इसमें आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा। तो चलो आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले दो विनती, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो आपको लग रहा है ये सेशंस हेल्पफुल है तो लोगों को हमारे इस सेशंस में जोड़िए, अलग अलग सेशंस में जोड़िए, यस। और दूसरी विनती कि आप स्वयं
लगा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आगे दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।